हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों, अक्सर सलमान खान अपने जन्मदिन के मौके पर अपने फैंस को सरप्राइज देते हैं। सलमान खान ने पिछले साल अपने जन्मदिन पर बजरंगी भाईजान सीक्वल और उसका नाम कंफर्म किया, और अब फिल्म के लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद ने इस सीक्वल के बारे में भी कुछ बातें साफ कर दी हैं। रिपोर्ट से बातचीत के दौरान केवी विजेंद्र प्रसाद ने कन्फर्म किया है कि बजरंगी भाईजान 2 पूरी तरह से सीक्वल होगी, यानी कि इस बार फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पिछली फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। अब ये जानने के बाद दर्शकों को एक बार फिर से इस फिल्म में काफी ज्यादा दिलचस्प बढ़ गई है। इससे पहले सलमान खान ने एक बातचीत में कंफर्म किया था कि केवी विजेंद्र प्रसाद बजरंगी भाईजान 2 के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसका नाम है पवन पुत्र भाईजान। गौरतलब है कि बजरंगी भाईजान में सलमान खान पवन कुमार चतुर्वेदी नाम के एक बजरंगबली भक्त की भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। सलमान खान ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि ये फिल्म टाइगर 3 पूरी होने के बाद शुरू होगी, यानी कि अगले साल के एंड तक पवन पुत्र भाईजान पर काम शुरू हो जाएगा। पिछली बार जब बजरंगी भाईजान का टाइटल अनाउंस किया गया था तो इसे लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। इन टीम ने फिल्म का नाम नहीं बदला। इस बार भी पवन पुत्र भाईजान सुनने के बाद अभी से इस टाइटल के साथ विवादों के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब केवी विजेंद्र प्रसाद कंफर्म कर चुके हैं कि मई से वो ये फिल्म लिखना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिल्म के फ्लोर पर जाने में समय लगेगा। ऐसे में सलमान खान टाइगर 3 के बाद साजिद नाडियाडवाला की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या फिल्म में फिर से करीना कपूर खान दिखाई देंगी? बजरंगी सीक्वल वहीं से शुरू होगा जहां बजरंगी भाईजान खत्म हुआ था, ये तो केवी विजेंद्र प्रसाद ने कंफर्म कर दिया। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि करीना कपूर खान की वापसी होती है या फिर सलमान खान के अपोजिट किसी नई हीरोइन को कास्ट किया जाएगा। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।